गुड इवनिंग एवरी वन माई नेम इज़ सुधीर एंड आई एम ए ग्रेटफुल्कोहलिकाय भगवान की असीम कृपा है और आप लोगों का निरंतर साथ है कि आज शराब नहीं पीनी पड़ती मुझे और मैं पीना भी नहीं चाहता आज मैं सोवर खुश हूँ और ये सब कुछ जो है मेरे को एज ए गिफ्ट मिला है मुझे ये सब वायटी मुझे गिफ्ट मिला है और इसको मैं संभाल के रखना चाहता हूँ मुझे बताया गया कि बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है तो इसको अगर मैं संभाल के नहीं रखूंगा तो आई माइट लूज इट इसके लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी मेरे को पर ये चीज़ें समझ आने में मुझे काफ़ी देर लग गई जब मैं यहाँ आया था तो मेरे को शुरू में कुछ समझ में नहीं आया और तो मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा जो मेरे को आज टॉपिक दिया है रिस्पेक्टेड प्रोमिलाजी रिस्पेक्टेड राजेश जी एंड माई डियर फ्रेंड्स ये दोनों मेरे बड़े डियर हैं ये गुरजीत भाई अनिल भाई सारे डियर हैं आ, all our dear friends. तो इन लोगों का और ये हमारे ये बाकी जो हमारे को होस्ट हैं सिद्धार्थ भाई ओ सिद्धार्थ भाई सिद्धार्थ भाई का अनोनिटी ब्रेक कर रहा हूँ सिद्धार्थ भाई नाराज़ भी हो सकते हैं मुझे नहीं पता सिद्धार्थ भाई ने आज क्या किया दो दिन पहले मेरे से मेरे नए नई लोकेशन का एड्रेस लिया तो जनली वन वन इजिटेंट टू गिव एड्रेस कि पता नहीं क्या बात है तोनी रोट मी टेक्स्ट की अनोनीमिटी विल बी मेंटेन डोंट वरी तो आई थी इज कमिंग एयर पीछे कुछ बात हुई थी वन वी वर लुकिंग फॉर यू नो कुछ बेटे की हमारी बात चल रही थी तो मैंने कहा जैसे ही होगा तो आप जरूर आइए दिल्ली तो uh, मैंने सोचा शायद ये दिल्ली आ रहे हैं इसीलिए मिलेंगे मैं कहा चलो अच्छी बात होगी मैं कह ले लो भाई एड्रेस तो मुझे नहीं पता था कि आज एक बेल बजेगी और जब मैं दरवाजा खोलूंगा तो समू नो ऑल द वे फ्रॉम यू नो ये क्या है मतलब ये क्या चीज है मतलब ये ये भगवान नहीं है तो और क्या है पिछले साल पच्चीस साल सेलिब्रेट किए थे तो वो मेरा फ्रेंड टी वो कहाँ से अमेरिका से मेरे लिए लेके आ रहे हैं जीएसओ से आ रहे हैं नागपुर से आ रहे हैं क्या मेडेलियन 25 25 साल के अरे कितने मेडेलियन दोगे यार एक 25 साल की है तीन बार थोड़ी की है मतलब हद है प्यार की एक ऐसे अल्कोहलिक को जिसको कोई नजदीक में खड़े होने देता था एक ऐसी स्टेज आ गई थी घर वाले भी फॉरगेट अबाउट सोसाइटी दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मी फैमिली फैमिली का जो आई टॉपिक दिया हुआ है कि हाउ फैमिली इज सपोर्टिव टू मी फैमिली का मेरा क्या रोल है मेरी रिकवरी में एंड देर वॉज ए टाइम एन दे वर नॉट रेडी टू सी माई फेस तो मैं जिन सब का नाम लिया इनका मैं बहुत आभारी हूँ पिंक सिटी का खासकर इस ग्रुप का जो मेरे को सपोर्ट मिलता है मिला हुआ है आज तक यू नो देस तो थैंक यू सिद्धार्थ भाई और गुरजीत भाई के जो काइंड वर्ड्स हैं मतलब इट मेक्स मी इमोशनल यू नो इमोशनल हो जाता हूँ मैं कोई ऐसा नहीं की छब्बीस नहीं होते हैं। वो तो वो तो वही मेरी बीमारी ही है खुशी होती है तब नहीं बर्दाश्त कर पाता मायूसी में तो हाल बेहाल हो ही जाता हूँ मैं तो बताता हूँ शुरू से मैं बहुत छोटी उम्र में ही नशा करना शुरू कर दिया मैंने अपना स्कूलिंग हाँ इससे छोटी उम्र और क्या होगी अभी तो कॉलेज गया भी नहीं था <coughs> और उसने फिर अपनी रफ्तार धीरे धीरे पकड़नी शुरू की स्कूल टू कॉलेज पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है नशा भी साथ साथ चल रहा है और नशे की जो है वो क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है और सब कुछ जो है ना नशे में होता जा रहा है जो कुछ भी है पढ़ पढ़ भी रहा हूँ तो नशे में पढ़ता जा रहा हूँ पढ़ लिया मैं ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं बीच में यू नो अच्छी एजुकेशन मैंने मेरे को मिली मेरी फैमिली की सपोर्ट रही शुरू से ही देखिए ये फैमिली की सपोर्ट है ना एंड माय मदर स्टार्टेड सस्पेक्टिंग उनको कुछ शक तो हो ही गया था कि कुछ ना कुछ तो लफड़ा है ये मतलब बहुत देर देर तक सोए रहना और एबनॉर्मल बिहेवियर कई चीज़ें एक 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 नो, नोट कर लेता है पेरेंट्स जो होते हैं नोट कर लेते हैं आज हम भी अपने बच्चों में अगर कोई चीज़ यानी कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं विच इज़ विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और विच इज़ यू नो आउट ऑफ द वे तो नोटिस में आ जाती है तो ज्यादा उनका ना ध्यान नहीं गया ज्यादा उन्होंने मेरे मेरे उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया उसका एक रीजन ये था माई फादर वॉज एलिंग मेरे पिताजी बहुत छोटी उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए थे बहुत समय हो गया उनको गए मोर देन फोर्टी ईयर्स थैंक्स गॉड की उनका ज्यादा फोकस वहाँ रहता था तो हार्ट एलिमेंट हो गया था बड़ी छोटी उम्र में और सारा उनका ध्यान जो है उधर ही रहा ज़्यादा मेरे को ऑलमोस्ट लेट गो ही करते रहे कि चलो ठीक है पढ़ाई क्योंकि बिकॉज आई गुड इन स्टडीज वो वो एक वो एक ड्रॉबैक था इग्नोर करने का मैटर को लेकिन शक था उनको शक हो रहा था बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टोक देते थे कि बेटा तुम्हारा जो चाल चलन है तुम्हारा जो ये सब ना ठीक नहीं चल रहा कुछ तुम सुधर सुधार लो अपने आप को तो, वही है मतलब इधर से सुना उधर से निकाल दिया है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और ये बढ़ता गया है ये बढ़ता गया कॉलेज तक पहुंच गया और बढ़ गया है कॉलेज कॉलेज पूरा कर लिया है उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया फिर मैनेजमेंट किया तो जहाँ गया वहाँ वही वह वैसे बंदे मिल मिल जाते हैं है? ऐसा नहीं बंदों की कमी थोड़ी है आप जिस जैसा चाहो आदमी दुनिया में वैसे आदमी मौजूद है ढूंढ लिए मैंने वो मिल गए और अपना उनके साथ कंपनी मेरी चलती रही अभी कोई मेरा ज़्यादा डाउनफॉल अभी हुआ नहीं था अभी ठीक ही चल रहा था मतलब आई वॉज ओके यू नो कोई ऐसा नहीं कि मेरे को कोई ये जो पढ़ते हैं हम मैं बड़ा परेशान हो गया मैं रेस्टलेस ये सब ये सब ये तो भाषा ही यहीं आके सुनाई पड़ी मेरे को अभी सब ठीक ही चल रहा था इट वॉज ओके यू नो घर से सपोर्ट मिल रही है पैसे मिल रहे हैं यू नो तो किसी किस्म का कोई ऐसा कोई बैंक टाइप कुछ महसूस ही नहीं हुआ कभी कोई रॉक बॉटम क्या होता है कुछ कुछ भी नहीं और एक नौकरी भी लग गई फटाफट सब पढ़ाइया पूरी हो गई एंड आई गोट ए जॉब द वेरी फर्स्ट जॉब वॉज अ गवर्नमेंट जॉब वो भी एक बड़ा अच्छा हो गया बट फ्रॉम इन साइड आई वॉज नॉट हैप्पी अंदर से मेरे को खुशी नहीं थी किसी चीज की कि मैं इतना पढ़ लिख गया सरकारी नौकरी लग गई है और अच्छी पोस्ट पे लग गई है यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया इन साइड स्टोरी एल्स यू नो वो शराब पी लेता था तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी दारू पी लो यार चलो ठीक है शराब पी ली और शांत हो गए वो भूल ही गया कि क्यों खुश नहीं हूं क्या वजह क्या है क्वेश्चन ही भूल जाता था सवाल ही भूल जाना दारू पी और वो दवाई जो है वो दबाई बन गई दबा देती थी उसको मेरे इमोशंस को दफ्तर के दफ्तर खुश दफ्तर वालों से खुश नहीं है बिल्डिंग से खुश नहीं बॉस बॉस से खुश नहीं काम से खुश नहीं मेरे हिसाब से नहीं ये चीजें हैं तो बदलो यार दफ्तर ही बदलो है नौकरी छोड़ दो क्या करोगे अब विदेश जाएंगे देश ही ठीक नहीं है ये देश का जो वातावरण है या देश की जो क्लाइमेट है इस देश के जो लोग हैं ये रास नहीं आ रहे मेरे को अपने आप ही मतलब मैं डिसीजन ले लेता था ऐसे बड़े बड़े डिसीजन देखिए कोई छोटे डिसीजन नहीं है सरकारी नौकरी को लात मार देना छोड़ना नहीं लात मार देना आई शुड हैव कंसल्टेड माय पेरेंट्स किसी और ना कोई नहीं मैं अपना ही अपना ही बॉस में खुद ही हूँ अपने डिसीजन में खुद ही लूंगा माई वे यू नो मुझे क्या पता ये सारे ये सारा अल्कोलिज्म है ये बीमारी है मुझे अगर ये सब पहले पता होता है मेरे स्कूल कॉलेज में अगर कोई ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की होती है के ऊपर शायद शायद मैं बच भी जाता यहाँ तक ना पहुँचता कि नहीं यार ये तो ड्रिंकिंग इज़ नथिंग मस्ट टू डू विद अल्कोहलिजम ऐसा नहीं कि शराब पियो तभी अल्कोलिजम होता है ये तो पहले से ही अंदर है तो पहले से इलाज किया जाए तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो मेरे तो बर्तन ही बिक गए थे बस आधा रास्ता तो मैं आ ही गया आपको बताते बताते नौकरी छोड़ दी गई और नौकरी छोड़ के विदेश सोच रहा हूँ तो विदेश भगवान भी पूरा साथ दिए जा रहा है ऐसा नहीं कि भगवान कह रहा है कि नहीं भैया तू यहीं बैठ है तेरे को अच्छी नौकरी मिली है क्या चाहिए तो था ना यहाँ तक लाने का प्लान था ए तक ए तक पहुंचाने का ये आज समझ आता है ना इट वॉज गॉड्स प्लान लेके बाहर विदेश में चले गए जी है वहाँ चले गए थोड़ा टाइम नौकरी की और विदेश भी ऐसा कि सऊदी अरब नशे नाम की चीज नहीं पता ही नहीं यहाँ पे वो भी किसी से सलाह नहीं ली कि कैसी कंट्री है क्या है क्या नहीं है क्या कुछ नहीं वहाँ गए तो वहाँ परेशान परेशानी का थोड़े दिन हल निकाला फिर वो जो प्रोवाइड कर रहे थे कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था कोई नशा करने का है कोई स्लीपिंग कुछ पिल्स वगैरह एनीथिंग बस वो भी कुछ दिन के बाद डिसकंटिन्यू हो गया देख लिया कि ये तो अलग तरह का प्राणी है कुछ ने? कौन कौन साथ देता है इस तरह की चीजों ऐसे ऐसे लोगों को पीपल पीपल गेट दे, उनको अपनी नौकरी का खतरा हो जाता है कौन, कौन वास्ता रखे भैया इससे खैर जी कैसे कैसे रोप रोध के टाइम काटा पिताजी भी गुजर गए ये, ये उन्ही दिनों की बात है माई डैड एक्सपायर्ड एंड आई टू कम बैक ऑन लीव मंथ तो एक महीने में वो कोटा तो फिर मैंने तो अपनी कसर पूरी निकालनी थी मेरे से अल्कोहलिक तो ऐसे ही होता है ना अगर कुछ दिन नहीं पिएगा चाहे वो जैसे रिहाइब से आके रिलैप्स होते हैं यही होता है ना महीना रिहाइब रिया, में रहो तो फिर चार दिन चार दिन में, में महीने की कसर निकाल लेता है अल्कोहलिक मैंने भी वही किया अभी मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था गए हुए साढ़े चार पाँच महीने हुए थे पाँच पूरे भी नहीं हुए थे पाँच महीने जो नहीं पी थी वो यहाँ के एक महीने में पूरी And I wanted that leave to be extended. <laughs> मैं तो इस जुगाड़ में था और इसको बढ़ा लूँ थोड़ी लीव वहाँ मिलना जुलना है नहीं कुछ फिर आई वॉज वर्किंग नेशनल एक फॉरनर था उसने थोड़ा मेरे को फोन पे समझाई बात आर गॉड्स अफेयर्स लोग वैसे ही स्परिचुअल होते हैं उनको पता है कि सारी जिंदगी और मौत एक प्रोसेस है पैदा होना इंसान ने जाना ही जाना है तो मेरे को तो मतलब कौन समझू कैसे मैं किसी की बात मेरे नहीं पल्ले पड़ती थी ना मुझे ये पता था कि मैं इंसैन हूं तो यहाँ के सारी चीजें पता लग रही है ना कि पढ़ाई लिखाई से थोड़ी कुछ होता है इंसैनिटी इज इंसैनिटी डिफरेंट काइंड ऑफ इंसैनिटी विच विच यू अल्कोलिज्म से कनेक्टेड है इजम क्या जी वो बाकी का कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड था वो पूरा करके रोद होके रोद होके ही हुआ वो कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ी खुशी से वहाँ हो गया पैसा भी कमाया सब कुछ किया मुझे याद है जब मैं आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम एयर इंडिया बाई एयर इंडिया आई वॉज वंस यू गो टू सऊदी अरेबिया यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक आप एक गल्फ कंट्री में जा रहे हैं खासकर उस कंट्री में आप पी नहीं सकते एयर एयरलाइन विल नॉट प्रोवाइड यू बट वंस यू आर कमिंग बैक आप टन हो जाओ वो वो भी वो, वो सर्व करने वाली भी देख रही है पता नहीं इंसान है कि पता नहीं जानवर है अभी पहला हाथ में पकड़ा हुआ है दूसरा पहले मांग रहा हूं भाई एक तो मुंह में डालू कम से कम फिर उसके बाद पेड़ भी ले लिया भाई कुछ भी तो कुछ तो कोटा ही होता है उनका भी इतना ही प्रोवाइड करना है यू oh, टेक okay, भाई हम कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है इतने टून हो गए यहाँ कस्टम ऑफिसर जो है उसको मिल गया मौका इतनी इतनी ड्यूटी है जी ये है जी वो है जी पता ही नहीं कितना माल उसने इधर उधर कर लिया जो मैं सब समेट कर लाया था वहां से एनी <coughs> anyway, लेकिन मेरा ध्यान भाई सब नशे की तरफ मेरा ध्यान और किसी तरफ नहीं है कि मेरा सामान लूट गया या मेरा जहान लूट गया कुछ भी लूट लो कोई बात नहीं कोई फटाफट क्लियरेंस दो मैं बाहर निकलू एयरपोर्ट से मैं जाऊं भैया मैं शराब पी हूं अंदर से भी ले ली मैंने मैं तो सिर्फ शराब ही के बारे में सोच रहा हूं मैं कोई सोच ही नहीं रहा हूँ और, और ड्रिंक किया हुआ इतना ज्यादा कि पूछो नहीं आगे जी घर अपना घर वाले भी अब घर में है कौन अब घर में तो मैं ही हूं पिताजी रहे नहीं अब मेरे मेरे से कौन बहस करेगा हु कैन ऑर्डर मी आई विल नॉट लिसन टू माई मॉम समझाना ना सब जो है फेल हो जाता था उनका कि बेटा तू मत कर ऐसे तू ये है वो है तू बड़ा है, है तेरे छोटे भाई हैं दो क्या इंप्रेशन पड़ेगा तेरे को तेरे को फादर का रोल वो करना है फलाना करना है ढिमकाना करना है नहीं पल्ले पड़ती थी बस मेरा जो फिर वही ड्रामा शुरू पीने का और एक मेरे को मुद्दा मिल गया ब्लैक मेल करने का माँ को कि वाई डेंट यू कीप द डेड बॉडी मैन आई केम हुआ क्या था कि एयरलाइंस की स्ट्राइक हो गई थी सपोज माई डैड एक्सपायर टूडे एंड आई हैव टू बी है इधर टूडे नाइट और टुमारो कल की फ्लाइट पकड़ के वापस आना मांगता हूँ ना मैं बट देर वॉज एयरलाइन स्ट्राइक बियॉन्ड कंट्रोल किसी के कंट्रोल में नहीं था तो आई टू टू कम नेक्स्ट नेक्स्ट डे ऐसे मतलब मेरे को बहाना मिल जाता था कोई ना कोई कोई ना कोई मैं कहानी पकड़ लेता था कि मुझे भाई कंटिन्यू रखूँ मैं इस प्रोसेस को ना ये प्रोग्राम को मेरे को इसमें अड़चन मत आने दो क्यों क्योंकि ये मेरे को शांत कर देती थी शराब पी लेता था उसके बाद तो चलो डाउनफॉल आया वो अलग बात है लेकिन एक बार तो मेरे को शांत कर देती थी चुप जो उछलता था अंदर जो सुलेमानी कीड़ा बिठा देती थी उसको नीचे अब रोग बढ़ता गया अब रोग इतना बढ़ गया धीरे 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 करके कि अब अब शराब शराब को पी रही है पहले मैं पीता था वो अंदर जो शराब पहला घूट जाता था मुझे क्या पता ये सारी क्या बातें क्या कर रहे हैं ये ये क्या बातें होने वाली हैं आगे मेरे साथ जिंदगी में कि फर्स्ट ड्रिंक डज द दे डैमेज मेरे को कुछ किसी ने बताया ही नहीं कि फर्स्ट ड्रिंक पीता हूँ तभी सेकंड आता है सेकंड सेकेंड फर्स्ट के बाद ही बाकी शुरू होती है गिनती मैं यहाँ तक कहाँ पहुंचा था मेरे तो मेरे कॉन्टेक्ट मेरे, मेरे में नहीं आया कोई कभी आज अगर जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, जो आज मेरा स्पॉन्सर है उसके साथ अगर मैं पीता भी था तो वो तो सोबर हो गया एटी सेवन में गॉट सोवर इन एटी एट ना एटलीस्ट एक साल उसका देख के उसको कम से कम इतना तो मेरे को अकल आ जानी चाहिए थी यार ये ये तो देखो एक संस्था में जा रहा है, है? लेकिन ऐसे ऐसे सोबराइटी मिलती है क्या एक अंदर हम सभी जानते हैं जितने बैठे हुए हैं सब लोग सो वरिटीज बाय द grace ऑफ गॉड भगवान चाहेगा तो मिलेगी और वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे थे ही वाज डूइंग ट्वेल्स टू ए ट्वेल्स टप मैसेज मेरे को पूरा दे रहे थे वो ही वाज ट्राइंग टू यू नो कैरी द मैसेज टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी लेकिन मेरे लिए अभी नहीं था तैयार मामला अभी भगवान देख रहा था अभी तो इसका बैंड बजाए कहा तो बैंड बाजे बारात के साथ भेजा नहीं इसको ताकि पहला कदम लेने में दिक्कत ना आए इसको वहां जाके प्रोग्राम लेने की दिक्कत दिक, में दिक्कत ना आए और समझने में भी दिक्कत ना आए और ले ले फटाफट गैस कर ले बात को और ये you ना know, मैं पहले भेजू इसको फिर ये ए में जाके मैं फिर आके फिर स्लिप हो गया जी फिर पी लीजिए फिर ये हो गया फलाना हो गया वो 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 रखो ही मत मतलब गुंजाइश रखो ही मत ऐसा कुछ प्लानिंग में आज समझ पाता हूँ उस चीज़ को सो दैट मीन्स फ्रॉम 87 सेवन टू नाइनटी मैं कब सोबर हो रहा हूँ 97 सेवन तो सतासी से सतानवे साल का सतानवे के बीच में जो 10 साल का जो ड्रामा था है, वो तो मतलब ऐसा था कि तबाही और तबाही यू नो शादी हो गई है, बच्चा हो गया है नौकरियाँ मतलब थोक के भाव आती थी थोक के भाव चली जाती थी नौकरी मिल जाती थी मुझे फिर थोड़ा टाइम करता था नौकरी फिर थोड़ा टाइम चली जाती थी फिर यू नो आई विल ग्रैब अनदर जॉब अगेन आई लूज दैट जॉब मोस्ट ऑफ द फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई वाज आज टू लीव ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बड़े कि जी मेरी मेरा रेजिग्नेशन है ना फॉर बेटरमेंट यू नो आई एम आई एम लीविंग दिस जॉब बहुत एक आध बार कभी हुआ तो आई डोंट रिमेंबर बट अदर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मुझे कहा गया कि भाई साहब ये कुछ और चाहिए आपको घर आए कहो तो एक एक स्टेज एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि घर छोड़ने आई गाड़ी इतना ज़्यादा हालत ख़राब उसने देखा सड़क पर मर जाएगा ये तो गिरेगा तो लो जी ये आपका चेक है फुल एंड फाइनल और ये आपके पैसे हैं फलाना टिमकाना आप गाड़ी में बैठिए ऐसी स्टेज आ गई लेकिन नहीं पल्ले पड़ रही बात कस्में झूठी कस्में मतलब मुझे नहीं पता था ये झूठी होने वाली है मैं कसम खा लेता था क्यों अब मैं दुखी आ गया दुखी हो गया था अब मैं अब मेरे पास दो ही बातें सोचती थी मेरे को ये छूट जाए या या ये जहान छूट जाए या दारू छूट जाए या जहान छूट जाए कुछ तो छूटे अब मेरे से बयान मतलब मेरे मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता था बर्दाश्त ही नहीं होता था मेरे से इतना दुखी हो गया अंदर से तो बहुत सारे डिटॉक्स तो और ये सारी चीजें और जेल यू नो जेल इज आल्सो पार्ट ऑफ माई रिकवरी क्यों क्योंकि शराब पी के क्या कर दिया कुछ पता ही नहीं लड़ाई झगड़े छोटे मोटे तो होते ही सही था कि एक बार इतना बड़ा झगड़ा हो गया मीन पब्लिक सर्विस के ऊपर आप अटैक कर रहे हो ट्राइंग टू सर्विस रिवॉल्वर कौन मतलब तुम कोई कौन छोड़ेगा तुम्हें कितनी बेजती मोहल्ले में रिश्तेदारी में बच्चा बड़ा हो रहा है मेरा बेटा जो है बड़ा वाला अब दो बेटे हो गए थे अब दूसरा बेटा भी हो गया था बड़े वाले छोटे वाला तो चलो नहीं देखा उसने ज्यादा बड़े वाला तो सब समझ ही रहा था ये घर में बातें क्या होती हैं इधर मी और माई डॉक्टर और माई माई किसी कोई वकील या कोई पुलिस Literally, मैंने उनका मतलब जीवन जो है नरक बना दिया मेरा तो बना ही बना मैं तो अपना तो obviously, I mean, I was a sufferer. पीके मैं को खुश थोड़ी हो रहा था खुशी मेरे को स्कूल कॉलेज तक ही मिल रही बस शराब ने उतनी खुशी दी मेरे को बस वहां के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा मेरा पीना और मेरा बैंड बचता गया और दुखी दी, दुखी दुख में दिए जा रहा हूँ घर वालों को एक माँ जिसने अपना पति खो दिया है उसको होता है कि एक मेरे बच्चे जो है खासकर मेरा बड़ा बेटा जो है वो घर को संभाले ये है एक एक हर एक एक वो रहती है एक मेरा उल्टा कार्यक्रम सारा कि जो है वो भी वो भी जो है आग लगा देनी उसको भी जो बचा हुआ है उसको भी खत्म कर देना को इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया कि 27 तक आते-आते अब जो है हार गया था मैं बिल्कुल कहते हैं ना इनर मोस्ट सेल्फ कंसीड माई कंसीडिड कंसीडेड माई डिफीट वो सारा मेरे को अंदर से तैयार कर दिया भगवान ने एक दिन बस ऐसी सुबह हुआ और बड़ा बेटा स्कूल गया हुआ और छोटे वाला जो है अभी छोटा ही है ज्यादा बड़ा नहीं है शायद प्ले स्कूल से अभी आया था प्ले स्कूल में जाता था अभी जिसकी अब हम आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा मैंने सारी बहुत सारी खुशियां आप लोगों से साझा साझा करता आया हूं अब इनशाला उसकी भी हम शादी करेंगे बड़े बेटे के आगे बेटा हो गया वो स्कूल जाता है तो ये ये सब मैं ये इसीलिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार अल्कोहलिक सरानीमत अगर मिल जाता है तो इसको तो मतलब छोड़ने का सोचना ही नहीं चाहिए कभी वो चीज़ें अच्छी होनी होनी है ये ये तो गारंटी देता है ये लेकिन प्रोग्राम <laughs> ये यहाँ यहाँ मैं फंस गया था यहाँ मैं थोड़ा सा फंस गया था है? और मैंने अपना समय समय बर्बाद किया मैं कई बार ये चीज़ अपना गुरजीत भाई से भी शेयर करता हूँ और गुरजीत भाई ने वो चीज़ कॉपी नहीं किया मेरे को किसी को भी नहीं करना वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम जस्ट बाई कमिंग टू मीटिंग एंड डूइंग नथिंग यू नो मीटिंग आ जाओ करना कुछ नहीं है बाकी तो ये करेंगे प्रोमिला जी बैठे हैं ना ही ऑल टाइम अरे करेंगे मेरे लिए अरे करेंगे कब तक करेंगे भैया थोड़े दिन करेंगे आई विल लिसन टू हर फॉर फ्यू डेज माय ऑब्सेशन विल बी लिफ्टेड बट व्हाट अबाउट माय लाइफ माय लाइफ इज माय लाइफ हर लाइफ इज हर लाइफ अगर मेरी लाइफ को मगर मुझे मैनेजेबल करना है पहले तो मैं एक्सेप्ट करूं ना कि मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है खैर उस पे आता हूं अभी तो बस एक दिन सुबह ऐसे ही आया ख्याल कि यार आज मैं ए में जाऊंगा है भाई वो इतने दिनों से एक आदमी मैसेज दे रहा है सालों साल हो गए उसको मैसेज देते हुए मेरे साथ खाने पीने वाला आदमी सोबर हो के बताओ आज कहाँ का काम है उसको देखता ही रहता था कुछ ना कुछ तो अंदर चल ही रहा था मेरे पर वन फाइन डे यू नो गॉड ब्रॉट मी टू दिस पॉइंट यहाँ तक ये यह संस्था में जहाँ लोग बैठे हुए हैं ये ऑनलाइन है उसे को तो ऑफलाइन थी क्या फर्क पड़ता है बस वो तो तो पहली रात कोई चमत्कार हो गया दोस्तों पहली रात कोई चमत्कार यूं हो गया क्योंकि अगले दिन पीनी नहीं पड़ी यानी कल चौदह तारीख थी चौदह जनवरी उन्नीस सौ तो सत्तानवे को फुली ड्रंक है और घर में भी रखा हुआ है अभी और उल्टी भी हो रखी है शर्ट शे, अपना शर्ट भी खराब कर दी लेकिन यहाँ बिठा दिया लोगों लोगों के बीच में यहाँ लोगों के बीच में बिठा दिया गया भगवान द्वारा बैठो भैया अब बहुत हो गया अब अब ये लास्ट है अब ये लास्ट आपकी ये ऑप्शन है आपके पास इसके बाद कहता मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आई मेड माय अमेंट्स मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये गॉड अमेंट्स कर रहा है मेरे साथ क्योंकि भगवान ने किया ना भगवान ने बनाया ना मेरे को अल्कोहलिक मेरी माँ ने थोड़ी थोड़ी बनाया है ये मेरे पिताजी थोड़ी बना के गए अल्कोहलिक मेरे को ये अल्कोहलिज्म उन्होंने थोड़ी डाला है भगवान ने जो है बचा लिया मेरे को

शुरू शुरू में दोस्तों मैं यहाँ जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आता हूँ यहाँ फंस गया था मैं तो जब मैंने थोड़े दिन में मैंने देखा मेरा ऑब्सेशन चला गया मैं सब ऐसे लगा मैं ठीक हो गया हूँ ठीक हो गया मैं नौकरी करनी शुरू कर दी जॉब पकड़ ली फिर अगेन आई गॉट ए गुड जॉब एक अच्छी जॉब पकड़ ली फिर लेकिन स्टोरी जो है फिर घूम फिर के वही है कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो दारू चली गई ड्रामा अंदर फिर ड्रामा अंदर फिर ना खुश ना खुश उदास डर खुन्नस बदले की भावना है? मुझे क्या पता है, है डेडली हैं है ये भूत भूत चिपके हुए हैं मेरे अंदर भूत विराजमान है मेरे अंदर पूछा गया अपने स्पॉन्सर से भी, ए, तो देखो दारू बंद हो गई है अब मैं तो मैं तो पीना चाहता भी हूँ ना मेरे को पीने की जरूरत है मैं तो सुबह उठता हूँ ठीक है मेरे को कोई जरूरत नहीं है जो आपने बताया जो ये लोग बता रहे हैं प्रेयर करो सुबह उठ के मैं प्रेयर करता हूँ लिटरेचर पढ़ लेता हूँ बिल्कुल तो बताइए क्या पढ़ा आपने आप कुछ समझ आए तो मैं उसको जवाब क्या आया मेरे को मैं तो नावल की तरह पढ़ता था कुछ नहीं बस ऐसे ही तो देखो सुधीर ऐसा है ये प्रोग्राम इसके अंदर लिखा हुआ है वो जो प्रोग्राम अगर जब तक आप नहीं करोगे तो ये ऐसे रहने वाला है और ये बढ़ने वाला है ये आप लिखवा लो मेरे से हो सकता है आप शराब ना भी पियो कुछ समय तक और निकाल दो लेकिन अल्टीमेटली शराब ही पियोगे डर भी रहा हूँ अंदर से पर समझ नहीं आ रही यार करूं तो करूं क्या है तो मैंने दोस्तों बहुत समय ऐसे वेस्ट कर दिया है प्रोग्राम लिया ही नहीं प्रोग्राम ना लेने से बस क्या हुआ कि मैं बस पैसे जरूर कमा रहा था जैसे मैंने कहा नौकरी कर रहा हूँ लेकिन घर में भी जो है एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है और चौधरी पना बरकरार है यू नो चौधरी पना यू you नो know? वो भी देख रहे हैं तो पीता हुआ फिर भी बेटर भी था वो एक चीज था एक बार तो ऐसे मुंह से निकल आया पीता हुआ स्लाइटली बेटर जो आज आज ये सोबर सोबर में हम देख रहे हैं ये स्टेज तो उससे उससे बदतर लग रही है हमें तो एंड वाइफ सस्पेक्ट कि ऐसा तो नहीं कि मैं ये ये बंद किया तो कोई दूसरा ड्रामा पकड़ लिया हो कलाकार है ना उसको पता कलाकार है एक नशा बंद करके दूसरा ना शुरू कर दिया हो तीसरा ना कर दिया हो फिर स्पॉन्सर से कंसल्ट किया गया ऑबियसली हमें वो कंसल्ट तो करना ही था ना किसी से शुरू से ही था खाते पीते थे ये तो नहीं नहीं ये कुछ नहीं है ये तो आप चुप रहो बस इफ यू वॉन्ट टू सरवाइव यू विल डू द प्रोग्राम अदरवाइज वो समझदार है अपने बारे में खुद सोचेगा मीटिंग कर रहा था दोस्तों मीटिंग कर रहा था मीटिंग का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि मीटिंग पे इतना विश्वास था कि पहली रात को मीटिंग में अगर कुछ हो सकता है तो भ्रम में ये भ्रम यही था कि बाकी चीजें भी शायद मीटिंग में आते आते ठीक हो ही जाएंगी लेकिन वो हो नहीं रही थी मैंने जैसे बताया वो बढ़ रही थी अंदर जो है ज़ख्म जो है वो जो इधर बोलते हैं ना सोल सर्जरी वो सर्जरी करने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि सोल जो है सिक है सोल सिकनेस समझ सारी कुछ आ रहा था समझ आ रहा था प्रोग्राम सारा और ये प्रोग्राम ऐसा तो है नहीं कि अपने दिमाग से कर लो समझ आ गया तो अपने दिमाग से इसको तो ठीक कर लो भाई अपना अंदर का ठीक करने के लिए बाहरी तो चीज़ बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है ना इफ आई गेट वेल फ्रॉम इनसाइड आई नीड आउटसाइड सपोर्ट अब आउटसाइड सपोर्ट सिर्फ ए ए मीटिंग काम नहीं कर रही है तो ये भी आउटसाइड सपोर्ट ह्यूमन पावर इज नॉट माय हायर पावर यू गाइज आर नॉट माय हायर पावर आप और प्रोग्राम मिला के हायर पावर हो ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन पावर इज माय हायर पावर मुझे तो दोनों पावर की जरूरत है ना तो ऐसे ही बस एक शख्स आ जाता है हमारा माई डियर फ्रेंड रॉयटी बड़ा अच्छा लगा सुबह सुबह फोन आया उसका भी कहता मैं सुबह सुबह ही कर लूँ यार ये तो तो रिजेंटफुल बड़ा बड़ा आदमी है तो रिजेंट रिजन्ट, रिजेंटमेंट में आ जाएगा ही वाज लिविंग फॉर यूएस टुनाइट तो बड़ा शुक्रगुजार गुजार यार उस आदमी का ऐसे ही ऑनलाइन ही टकराया था मेरे को और ऐसे ही आज कितने सारे भाई हैं मैं कभी मिला थोड़ी हूँ गुरजीत भाई से अनिल भाई से कुछ लोग तो मिल चुके हैं कुछ लोग आप लोग हरिद्वार गए थे या कुछ किसी और इवेंट में कच, कुछ कुछ लोगों से मिले हैं मैं नहीं मिल पाया हूँ यार मेरे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं फैमिली के मैं घर से निकल निकलना ही बड़ा दूर मेरे लिए होता है खैर ये भी कुछ गॉड प्लान होगा तो आज में सब कुछ जो है ना उसी का ही उसी के ही वो आ, समझता हूँ मैं कि उसी का ही दिया हुआ है जो कुछ है जो कुछ करवा रहा है वही कर रहा है एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीजन नथिंग हैपन बाय मिस्टेक जो कुछ हो रहा है उसकी रजा में तो ऑनलाइन टकरा जाते हैं मेरे को और तो कुछ क्लिक कर जाती है बात बात उनकी कोई अलग नहीं है मेरे स्पॉन्सर से ऐसा नहीं वो कोई अलग चीज कह रहे हैं स्पॉन्सर कुछ अलग मेरे पीछे लगा हुआ था कहने के दोनों बातें सेम थी बट डिफरेंस वॉज अभी शायद वो स्टेज नहीं आई थी या कोई बात मेरे अब अब समझ में आनी थी समझ में आ गई तो मैंने पकड़ लिया तो सुधीर यू हैव ए बिग बुक बिग बुक बिग बुक तो पहले दिन ही मिल गई थी 14 जनवरी उन्नीस को बस वहां से सिलसिला शुरू हो गया और फिर ये प्रोग्राम को लिया गया और फिर थोड़ी सी अंदर से शांति सी जैसे महसूस हुई कि ये कदम करने से जो ना encourage to make amends। resentment this program encouraged me to make amends। फिर जब मेरे को हिस्ट्री भी पढ़ाई गई तो मैंने देखा यार ये डॉक्टर Bob यही कदम जो है वो lack कर रहे थे। इसलिए बारह मई से दस जून के बीच जो उनको समय लगा सोभर होने में भले ही अट्ठाईस दिन लगे लेकिन अट्ठाईस दिनों में यही एक आठवां और नवा कदम था जो नहीं लेने को इच्छुक थे जब तक नहीं ले रहे थे तो दारू बंद नहीं हो रही थी तो जैसे ही एक रात को लिया उन्होंने है क्या मुझे सॉरी बोलना है नाट मीन्स आई है फिर इसका सिलसिला घर से शुरू हुआ वही औरत जो मेरी वाइफ जो कहा करती थी जिसने एक बार ये भी कह दिया था ई वॉज मच बेटर वैन ई वॉज ड्रिंकिंग यानी सुब्राइटी से खुश नहीं अब जब मैंने प्रोग्राम ले लिया तो अब मैं इसको एक्शन में ले आया कि यार भैया यहाँ से शुरू करो यहीं बर्बाद करी यहीं सब कुछ बर्बाद किया था इसी घर को जला के छोड़ दिया था ए अभी धीरे धीरे नया घर जो है बन रहा है अब रहना भी है इसके अंदर जब रहना है तो फिर ये इन लोगों से माफ़िया मांगूंगे इन लोगों से अमेंट करो बच्चे से अमेंट करो बड़े बड़े ड्रीम जो देख रहा हूँ हाउस गेट फुलफिल्ड कि मेरे बच्चे यहाँ तक पहुंच जाए ऐसे पढ़ाई शुड गिव द बेस्ट ऑफ एजुकेशन मेरे को मेरी माँ ने पढ़ाया यू नो शी टॉलरेटेड मेरा सब कुछ उसने टॉलरेट किया मेरे को एक एक करके एक एक करके वो जो लिस्ट बनाई हुई थी मैंने आठवें कदम की <coughs> पूरे करे जो भी एक रह गया रह गया अब ठीक है अब जब समय आएगा वो भी हो जाएंगे जैसे मैंने कहा ये सब समय की समय का वो है खेल बट चेंज इज द नेम ऑफ गेम खेल भले ही समय का है बट चेंज इज द नेम ऑफ गेम चेंज करो तब तो एक गेम में टिका रह सकता है आदमी इफ यू डोंट चेंज योर सेल्फ देन डेट गेट चेंज सिंपल ये पहले रात को बता दिया गया था कि सुधीर डोंट गेट दिस सोसराइटी डेट गेट चेंज तारीख पकड़ लो ये सोबराइटी डेट को चेंज मत होने देना लेकिन ये तब तक चेंज चेंज रहेगी जब तक आप अपने आप को चेंज करोगे आपने अपने आप को चेंज कर, नहीं करोगे या बंद कर दिया आपने प्रोग्राम लेना बंद कर दिया इफ यू स्टॉप डूइंग ए कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है इफ यू वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस पाथ ये जो बोलता हैप्पी जॉयस एंड फ्री कहता है happy, free, तो इसके साथ एक वर्ड लगा ले और लॉन्ग हैप्पी जॉयस एंड फ्री लॉन्ग इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग सुब्राइटी बाकी जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ में लॉन्ग मतलब ये नहीं कोई उसने गारंटी दे दी थी कि यू आर गोइंग टू सर्वाइव फॉर फिफ्टी इयर्स डॉक्टर बाब तो बेचारे पंद्रह ही साल रहे शुड हैव फॉर फिफ्टी इयर्स आज जब हम उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं जब कोई आदमी ऐसा है हम में से जो ये कहेगा कि नहीं यार डॉक्टर बाब को तो पचास साल जिंदा रहना चाहिए बिल साहब से और चौदह साल ज्यादा लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है ना देट इज नथिंग टू डू विद ए जीवन और मृत्यु कौन कब तक जीवित रहता है किसको क्या पता है ंगी जॉयसन ट्री लुक फॉर लुक फॉरवर्ड टू लॉन्ग्राइट उसके लिए सारे जो तीनों कंडीशन है फिजिकल मेंटल स्परिचुअल तीनों पर ही काम करना पड़ेगा तेरे को ठीक है स्पिरिचुअल कंडीशन लिखा हुआ है सही सही रहती है तो मेरा फिजिकल मेंटल वो हैंडल कर लेता है बट आई टू बीवली फिट स्पिरिचुअली फिजिकलीसो अपनी फिजिक को भी मुझे मेरे को आई एम रिस्पॉन्सिबल है ना आपकी फिजिक के लिए जो जितना मैंने डैमेज पहुंचाया है किया है, एब्यूज़ किया है अपनी बॉडी को अब उसको रिपेयर करना भी मेरा ही काम है ना चाहे मेडिकेशन से करूँ चाहे योगा से करूँ ये चीज़ें पकड़ी मैंने अब जब मैंने ये प्रोग्राम ले लिया और अमेंट्स करने शुरू कर दिए तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो है ये प्रोग्राम मेरा पूरा हो गया <laughs> मतलब ऐसा भ्रमित करने वाली बीमारी है ऐसा ऐसा फंसाने के चक्कर में रहती है मेरे को ये कि उसको पता बुद्धू तो है ये बुद्धू है बीमार है इनसेन है मालूम है माय डिजीज इज मच स्मार्टर देन मी आई कैन नॉट ओवर स्मार्टर मैं अपनी बीमारी को ओवर स्मार्ट नहीं कर सकता हूं <laughs> मैं नस्तक हो जाता हूं धीरे-धीरे घुटनों के बल जाके <laughs> कोई जो पहले दिन हुआ था वो आज आज भी वही करना पड़ता है मेरे पास कंट्रोल नहीं है मेरे पास पावर नहीं है कि मैं उसको आ, अपने हिसाब से मैं सोबर रह पाऊं एक दिन भी नहीं नॉट इवन अ डे तो ऐसे भ्रमित कर दिया इसने कि शायद अब प्रोग्राम ले लिया मैंने बाकी तो अब ठीक ही है वन टाइम जॉब है वन टाइम जॉब मैंने ले लिया कैसे प्रोग्राम ले लो सब ठीक हो जाएगा अमेंड कर लो सब ठीक हो जाएगा वाकई ठीक तो हुआ ठीक होना शुरू भी हो गया तो फिर जैसे मैंने कहा ये फिर मेरे को घुमा रही है किसी एक और चक्कर में दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एडिक्शन यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोबैको एंड ऑल दोस थिंग्स मेनी पीपल गेट कन्फ्यूज कि ये सेकेंडरी एडिक्शन शायद खान पान को ही कहते हैं सेकेंडरी एडिक्शन मीन्स पावर मनी एंड यू नो

आप मीटिंग में आना बंद कर दो, हैं? दोनों चीजें करनी पड़ेगी स्पॉन्सर भी रहना चाहिए और मीटिंग भी रहनी चाहिए क्योंकि जो कुछ है एक तो पता यहीं लगता है सारा बिना बिना कहे तो यहाँ जवाब मिल जाते हैं ऐसी संस्था है ऐसी जगह होती है मीटिंग मुंह खोले बिना कान के अंदर जवाब चला जाता है जो खोपड़ी में मेरे चल रहा है कोई ना कोई भाई ने जवाब देना ही देना मेरे सवाल का और जो चीज नहीं पल्ले पड़ती वो मैं अपने स्पॉन्सर पे जाके सिर्फ चौथे पांचवें कदम के लिए थोड़ी है स्पॉन्सर कि मैंने अपनी इन्वेंटरी लिखी और शेयर कर ली उससे चलो तो जी किसी को तो मुझे सुनानी थी अपनी कथा निकाल दिया मैंने अपने अंदर से सारा है तो उन्होंने फिर बताया कहता देख सुधीर ऐसा है ये ये तो औ, ये तो होना ही होना है ये तो बीमारी का जो है एक, एक वो है एक भयानक पार्ट है ये वर्ड जो है वो वर्ड को फिल करने के लिए या तो एक प्रोग्राम से फिल करो उसको या वो कहता है नेगेटिविटी से नेगेटिविटी है ना सारी सेकेंडरी एडिक्शन से. या वो कहता है इससे भर लो ये जो है दिस विल लीड मी टू प्राइमरी सेकेंडरी विल लीड मी टू प्राइमरी ये उन्होंने अपने अनुभव से बता दिया मेरे को बहुत सारे उन्होंने भी बहुत सारे ऐसी चीजें एंड आई कुड रिलाई आई कुड रिलाई ऑन हिम फिर मैं पीछे हटा कहता नहीं मुझे आई हैव टू कंटिन्यू कंटिन्यू यू नो वॉकिंग ऑन दिस पाथ कोई मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं है बिकॉज वो पहले ही कह रहा कि वी आर नॉट ऑफ है हम ठीक थोड़ी हो गए हैं वो ठीक नहीं हुए तो कहाँ से हो जाएगा किताब <laughs> वाले भाई कह रहे हैं कह रहे हैं हम ठीक नहीं हुए बट वट वी हैव इज डेली है एक दिन की मोहलत है हमारे पास एक दिन का एक समय है एक दिन की एक जिंदगी है आज के दिन की इसको उजाड़ो नहीं क्योंकि 16 तारीख इसी पे निर्भर करती है <coughs> जो 16 तारीख आने वाली है अगर आ गई भगवान ने दे दी तो फिर पल्ले पड़ेगी बात और थोड़ी थोड़ी अब क्या है कि थोड़ा थोड़ा मेच्योरिटी भी आ जाती है जैसे जैसे समय बीतता है प्रोग्राम कर लो और फैमिली का जो थोड़ा दस 10-5 मिनट जो शेयर करता हूं वो फैमिली ऑफकोर्स इज वेरी प्लेज ए वेरी क्रूशल रोल इन एवरीबडी रिकवरी पर उसके लिए मतलब मेरे को मेरे को पहले लौटाना पड़ा ना फैमिली को सारा कुछ हो वो सारा कुछ देना पड़ा तबाही जो करी थी उसके अमेंड्स करने पड़े सारे वो जो वो जो मैं सोचा करता था उसके लिए मुझे नौकरियाँ करनी पड़ी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी हैं उसके लिए मुझे आई गेव द बेस्ट ऑफ एजुकेशन टू माई चिल्ड्रन उसके फिर रिजल्ट मुझे फिनमिनल जो प्रामिसज जो हैं अब ये क्या है कि देखियो ना बावन नंबर पेज पे लिखी हुई है अनमैनेजेबिलिटी मेरे जो अनमैनेजेबल पार्ट है 83 83 बावन और तिरासी के बीच तो इकतीस पेज में जो कुछ है वो तो करने का है ना हाउ इट वर्स एंड इन टू एक्शन तो किया ना मैंने वो टू वो मैंने किया तभी वो जाके दिखा रहे ना पूरे हुए सब सब पूरे हुए एक एक करके नॉट नॉट द पैरल नॉट द वे कि मैं सोचूं कि पहले स्टेप का पैरल uh, है पहला प्रॉमिस न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस कुछ चीजें पहले पूरी हो गई कुछ चीज़ें बाद में हो गई बारहवा प्रॉमिस आए दिन देखता हूँ बारहवें प्रॉमिस को पूरा होते हुए कि जो भगवान नहीं कर सका जो मैं नहीं कर सका भगवान मेरे लिए कर रहा है कितनी सारी चीजें और ये क्या की छोटी छोटी चीजें मतलब कितने बड़े बड़े काम हो गए देखो है मेरे जैसे बंदा शादी ब्याह के चक्कर में कितना वो हो जाता है टेंशन में आ जाते हैं लोग कैसे होगा क्या होगा पैसे कहाँ से फिलाना डिमकाना तो मुझे क्या पता भैया कहाँ से आएंगे अल्कोहलिक सनानीमस है ना भगवान है ना तू अपना काम कर मैं करता रहा अपने छोटे छोटे काम करता रहा मेरे बड़े बड़े काम होते रहे स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस छोटी चीजें करने से मेरे बड़े बड़े काम बड़े बड़े अफेयर्स होने पूरे शुरू हो गए अभी जैसे मैंने बताया आप अबाउट माई यंगर सन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ वीक्स यू नो विल है गुड न्यूज गॉड इज डूइंग इन माई लाइफ बट गॉड इज कमिंग कहाँ से आ रहा है गॉड मैं तो मैं तो मिला नहीं हूँ कोई मिला हो तो जरूर मेरे को मीटिंग के बाद कोई उनका नंबर या कोई उनका कोई स्वरूप कोई फोटो जरूर भेजना मिले नहीं मुझे कभी अभी तक ना मुझे कोई वैसी वाली फ्लैश लाइट अवेकनिंग हुई है अवेकनिंग मुझे बहुत बार हुई है बट नॉट दैट वे यू नो थैंक्स गॉड के कि सबका जो आध्यात्मिक अनुभव है वो अपने तरीके से होता है जैसे हर किसी का रॉक बॉटम अलग होता है तो भगवान इज कमिंग टू मी थ्रू माई फैमिली मेंबर्स थ्रू यू गाइज आप लोगों के द्वारा कोई भी इंसान हो ह्यूमन बॉडी, लोगों के मुंह से लोगों के एक्शन से मेरे को भगवान के दर्शन होते हैं तो फैमिली का तो मतलब तो तो यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल ही फैमिली का ही है मेरे 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 रिकवरी को बरकरार रखने में क्योंकि एक तो पहले उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा मतलब अगर अगर उन्होंने मेरे को लात मार दी होती है मेरे को इग्नोर कर दिया होता आई वु डाइड ऑन द रोड मर गया होता मैं जेलों में सड़ गया होता बेल कराई नहीं होती मेरे को मेरे मेरे मुकदमों पैसे खर्च ना किए होते पढ़ा रहे वही पढ़ा रहे नो no. उस बुरे वक्त के ऊपर भी उन्होंने साथ दिया मेरा इतना तो आज आज क्यों पीछे हटेंगे लेकिन मेरा फर्ज क्या है मेरा फर्ज तो बहुत ज्यादा है ना उससे आई शुड नॉट एक्सपेक्ट यू नो शुड बी अदर वे यार मैंने जो जितना जो मैंने जो इतना तबाही मचाई है मेरे अमेंट तो खत्म होने नहीं चाहिए कभी वो होंगे भी नहीं चाहे वो माँ के प्रति है बच्चों के प्रति है बीवी के प्रति हैं और रिलेटिव्स के प्रति हैं जो और क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनके मैं गिरहवान ही पकड़ लेता था सवाले तक की गिरेवान सीधा हाथ ही वहीं भाई जब रिवॉल्वर पे हाथ जा सकता तो गिरवान क्या चीज है क्यों क्योंकि हम ये प्रोग्राम भी हम का मिल गया मुझे वो पहले भी हम था ये कहते हैं इट्स ऑल अबाउट वी मैं अकेला ही हम था पहले तो हमें जानते नहीं हो तो यहाँ टाए टाए फिस हुई मेरी सारी ये प्रोग्राम के माध्यम से पहले कदम से ही टाए टाए फिस करनी शुरू कर दिए प्रोग्राम ने तेरा भैया ये तेरा तेरा जो माई वे है ना यही तेरा हाईवे है हाईवे पे तो जब जैसे जैसे हाईवे तेरे पे पहुंचता है और तेरा दिमाग जो है पागल हो जाता है तो ऐसे कभी मैंने सोचा नहीं था यार और ये इतना लंबा और ऐसे इतनी अच्छी ऐसी जिंदगी है सच में कहता हूँ सच में कह रहा हूं मैं आप लोगों ने मैक्सिमम काम आप लोगों ने किया है या फैमिली ऑफ कोर्स जो आज का टॉपिक है मेरा नहीं है रोल इसमें ज्यादा मेरा रोल अगर है तो दैट इज ओनली अबाउट माई विलिंग उसको मैं बरकरार रखता हूँ आई डोंट वॉन्ट गो टू हेल्प अगेन स्वर्ग मिला नहीं मिला भाड़ में जाए कोई बात नहीं पता नहीं क्या इससे कोई बढ़िया स्वर्ग होता होगा मुझे नहीं पता बट आई एम रीजनेबली हैप्पी विद दिस लाइफ मैं नरक से बाहर आ गया ये कंफर्म हो गया ये स्वर्ग है या क्या है मुझे नहीं पता या किसी और को इससे अच्छी स्वर्ग की परिभाषा आती होगी बट आई एम आई एम सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ अल्कोलिक सोनोनिमस इसने मुझे उस दलदल से निकाल दिया उस 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 नरकीय जीवन से बाहर निकाल दिया। तो इसका क्रेडिट जो है हमेशा ही हमेशा आप ही को रहेगा आप लोगों को रहेगा पहले दिन की आवाज पहले दिन की बातें जो थी वो आज तक बातों में कोई फर्क नहीं है लेकिन आज थोड़ी अच्छे से समझ आ जाती है जैसे कहा ना ये प्रोसेस है ये सारा एक प्रोसेस है इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है कभी अच्छा कभी बुरा सब ये चलता रहता है बट आई शुड नेवर गिव अप ये मुझे स्पॉन्सर ने बता दिया था कहता है आई हैव टू नेवर गिव अप मींस मुझे फिजिकल रिलैप्स में कन्वर्ट होने नहीं देना उसके लिए मुझे बिल साहब का ही फार्मूला करना है और किसी का नहीं जो आदमी खिड़की में से छलांग लगाने लगा था जिसको शराब पीने की ललस आ गई थी पाँच महीने के बाद लेकिन क्यों क्योंकि उनको अवेकनिंग हो रखी थी अवेकनिंग हुई हुई थी उनको पता था एक दारूबाज को दारूबाज चाहिए अगर दारू से बचना है तो इतना सही फार्मूला है ना दारूबाज को अगर दारू से बचना है तो उसको दारूबाज ढूंढना है ढूंढना है तो आज तो नहीं तकलीफ होती ढूंढने में आज तो नो फोन नहीं करने पड़ेंगे ना आज तो नो फोन करो अठारह आदमी कॉन्फ्रेंस पे आ जाएंगे कहेंगे आ जाओ भैया जूम मीटिंग में आ जाओ तो कितनी सहूलियत हो गई देखिए गॉड इज डूइंग ना भगवान कर रहा है ये, ये इस तरह का समय लेके आ गया भगवान जूम जूम को ऐसा उपलब्ध करा दिया ये पिंक सिटी क्या है आज मतलब हर जगह पिंक सिटी का क्यों नाम लेते बिकॉज द फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्रुप इज यू नो मार्वलस रिकवरी इज रेनिंग नहा लो जाके नहाओगे तभी ना कपड़े लेते मीस यू हैव टू अनकवर रिकवरी चाहिए तो अनकवर करो ना अपने आप को अनकवर करो निकालो बाहर अपना जो जो कुछ है पुराना निकाल दो एंड गुड क्लॉथ नए कपड़े पहनो नया नया सब कुछ नई चीज मिलेगी यहाँ पे तो so, बस यही है दोस्तों आज का दिन जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए वो जरूरी नहीं कि आज बर्थडे बर्थ है।, है आज का दिन है टुडे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ माय लाइफ एंड इट इज द फर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ कल तक जो हुआ दैट वाज दैट वाज ओनली हिस्ट्री वो हिस्ट्री में तब्दील हो चुका है चौदह जनवरी तक और आज का दिन मेरे को संभाल के रखना है बड़ा और आज के दिन के ऊपर इस सोलह तारीख निर्भर करती है जैसे मैंने कहा तो बस मैं अपनी शेयरिंग को यहीं विराम देता हूँ और अपने अपने परिवार का हमेशा मैं आभारी हूँ शुक्रगुजार हूँ और जिन्होंने मेरे को संभाल कर रखा हुआ है अभी तक और उनका बहुत बड़ा रोल रहता है हमेशा मेरी रिकवरी में और भले मेरी डॉटर इन लाख को आज काफ़ी सी चीज़ें पता है बिकॉज शिक्स लिसनिंग अभी तो आ, समय भी हो गया पाँच साल हो गए शादी को तो थोड़ा सा पता लग जाता है यू लिविंग द सेम हाउस तो ठीक है यार मैं मतलब आई एम नॉट डूइंग यारिगल है ना मैं मैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए अगर मुझे ये सब करना पड़ रहा है एंड आई डोंट टू डोंड एनी इट्स ओपन बुक नाउ कि जो कुछ है ठीक है भाई मेरे समी हैं वो लोग भी जानते हैं कि ठीक है यार एक समय था है ऑब्वियसली इतना समय अगर हो जाता है बहुत पुरानी बात कोई उन्होंने देखा भी नहीं है मैंने खुद बल्कि अपने मुंह से बताया कि एक समय था ऐसा कि मैं एक उसमें चला गया था इतना डीप तो मैं सिर्फ ये भी आके बताता हूँ ना कि मैं मेरी क्या हालत हो गई थी मैं इतना कह दिया भी एक समय था हाँ मैं भी खाता पीता था तो वन फाइन डे यू नो आई डिसाइडेड टू क्विट ठीक है इट्स वर्नी uh, है थिंक ऑफ गेटिंग डाउन फ्रॉम दिस ट्रेन ये रिकवरी ट्रेन से मेरे को अभी उतरने का बिल्कुल कभी ख्याल भी नहीं आया ना आएगा होपफुली क्योंकि बड़े अच्छे पैसेंजर इसके अंदर मिलते हैं बैठे हुए हैं मेरे साथ हैं और आई एम रियली एन्जॉइंग एवरी डे एवरी मोमेंट ऑफ रिकवरी आई एम एंजॉइंग नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ कभी कभी बड़ा हार्ड लगने लग जाता है कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कभी लाइक इफ समी इज हेलिंग एट होम खासकर मेरे केस में जब मैं देखता हूँ मम्मी को या कुछ और कभी कोई बीमार पड़ जाता है थोड़ा सा वो हो होता है बट आई नेवर थिंक ऑफ ड्रिंकिंग यू नो आई विल नेवर थिंक अबाउट ड्रिंक आई विल थिंक अबाउट ए ए नो एल्कोहलिक सुनाने में सबको पकड़ो यार टू यारम है किसी की किसी की हेल्प कर दो है पैराडॉक्सिकल है ना प्रोग्राम किसी की हेल्प कर दो अपनी हेल्प हो जाएगी है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मैं तीसरा साल है मेरा लगातार लॉकडाउन में जैसे ये मीटिंग शुरू हुई है मुझे मौका मिलता है बार बार पिंक सिटी में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का और थैंक यू गुरजीत भाई और राजेश भाई प्रमीला जी अनिल भाई मुकेश भाई इंद्रजीत भाई सभी होस्ट को होस्ट सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं और आप इसी तरीके से ये सर्विस को आगे लेके जाएं ये मेरा फर्ज बनता है ये जो थ्री लगेसीज़ है जो मेरे को विरासत में मिली है मेरी ड्यूटी है ये कि मैं इसको आगे लेके जाऊँ और थैंक यू वेरी मच